आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कालीन उत्पादक देश है। हाथ से बने कालीन के मामले में हम दुनिया में टॉप पर है। अब दुनिया के आधे बाजार पर हमारी हिस्सेदारी हो, इसके लिए हम तमाम बुनकर और व्यापारी साथियों के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक हस्तकला संकुल और कई जगहों पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर का लाभ भी बुनकरों को मिल रहा है। इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर मेगा कारपेट क्लस्टर में बुनकरों को आधुनिक लूम भी दिए जा रहे हैं। लूम चलाने का कौशल पैदा हो, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे बताया गया है कि यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से भी हमारे भदोही को और इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिल रहा है। साथियों, हमारी हमेशा से सोच रही है कि देश में कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले, कैश फ्लो बना रहे, मार्केट मिले, अच्छी तकनीक मिले और ये सरकारी दखल बंद हो। इसी सोच के साथ देश में कानूनों का जाल खत्म किया गया है। जीएसटी ने आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से भी मुक्ति दिलाई है। अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई वे बिल से अब आपका सामान आसानी से पूरे देश में जा रहा है। आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल तमाम नियमों को और आसान बना रही है और आगे भी आसान बनाने का काम जारी रहेगा। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां 1% की दर से जीएसटी भुगतान की कंपोजिशन योजना का फायदा उठा रही है। हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। जीएसटी से जुड़े कारोबारी को लोन के ब्याज में छूट से लेकर एक्सपोर्ट तक में मदद की जा रही है। व्यापारियों के पैसे न फंसे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।